हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नितेश फार्मिंग ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम पहले बता चुके थे कि जो हमारी हम खेती किए थे जो मिर्ची का, उसका वीडियो हम बना चुके थे। और पहले जो छोटा छोटा पौधा था तब बनाए थे, आप मेरा यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। अब हम दूसरा वीडियो वही मिर्ची का दूसरा वीडियो बना रहे हैं। तभी छोटा छोटा पेड़ था और फल फूल उतना नहीं आया था, अब बड़ा बड़ा पेड़ हो गया और फल फूल आ चुका है। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं कि किस तरह फल और फूल आया है, कौन कंपनी का है और पेड़ पौधा कैसा है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख ही पा रहे होंगे जो मिर्चा का पेड़ है इतना बड़ा बड़ा हो चुका है। तभी छोटा छोटा था और ना फल आया था ना फूल आया था, अभी फल फूल दोनों आ रहा है। तो हम इसी के बारे में थोड़ा हम आपको जानकारी देंगे, ये कौन कंपनी का है और पेड़ पौधा कैसा है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। सबसे पहला हम आप बताना चाहते हैं कि पेड़ का लगभग 2 फीट का हो चुका है, आपको दिखाना चाहते हैं कितना बड़ा है। तो देख सकते हैं यहाँ से लेके, देख पा रहे हो आप लोग कितना बड़ा हो चुका है, मतलब 1.5 से 2 फीट का हो चुका है। इसका फल भी आ चुका है, देख पा रहे हो आप लोग, देख लीजिए ये वाला काला मिर्च है। अब आज आइए अब कंपनी के बारे में बात करते हैं, ये कौन सा कंपनी है, कौन सा वैरायटी है, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा भिनार का है काला मिर्च। भिनार आपको मार्केट में हर एक दुकान में, बीज भंडार दुकान में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, आप ले सकते हैं और अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और एक पॉइंट का बात हम दोस्तों बताना चाहते हैं कि काला मिर्च होता है दोस्तों, आप कोई भी कंपनी का लगाइए, इसका पेड़ पूरे अच्छे से बनने के बाद ही पूरा अच्छा फल और फूल देता है। मतलब पूरा पेड़ जितना इसको बनना है उतना बन जाएगा, उसके बाद फल और फूल बहुत ज़्यादा देगा। देख पा रहे होंगे, दिखाना चाहते हैं आप लोग को इसका फल और फूल, देख पा रहे होंगे आ गया है, देख पा रहे होंगे, देखिए काला मिर्च है। काला मिर्च और पतला वाला मिर्च, जो पतला वाला मिर्च का हम बता देते हैं कंपनी अगर लगाना चाहते हैं तो, पतला वाला कंपनी का नाम है आपको अग्नि का मिल जाएगा और राशि का, ये बहुत पतला मिर्च है, ये मार्केट में बहुत डिमांड रहता है पतला मिर्च का। तो पतला और काला मिर्च मार्केट में बहुत डिमांड रहता है। तो देख पा रहे होंगे काला मिर्च कितना अच्छा दिख रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग, इसका पेड़ पौधा भी बहुत अच्छा है, फूल भी आ चुका है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। लगभग यहाँ हम बताना चाहते हैं जो लगा है यहाँ लगभग से 700 से 800 पौधा लगाया गया है। मतलब हम ही खेती किए हैं दोस्तों, मतलब मेरा ही खेत है, हम ही लगाए हैं। अच्छा रिजल्ट देता है, आप लगा के एक बार ज़रूर देखिएगा। दूरी का आप लोग का बात अगर करना चाहते हैं तो देख लीजिए दूरी कितना है, देखिए एक पौधा यहाँ लगाया गया है और एक पौधा वहाँ लगाया गया है, मतलब 2 से 3 बित्ता मतलब के बीच में लगाया जाएगा तभी अच्छा रिजल्ट पाएगा। अगर सामने सामने लगा देते हैं तो, अगर पेड़ बहुत अच्छा से बन गया मतलब बड़ा हो गया बन गया तो फल फूल कम हो जाएगा, क्या कि बनने के बाद वो पूरा एकदम कहीं जगह ही नहीं रहेगा कि वो अच्छा से अपना पौधा ग्रोथ कर पाएगा और अच्छा फूल दे पाएगा। इसी कारण जितना दूर हो सके उतना दूर लगा सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। इसी तरह आपको वीडियो हमारे चैनल में मिलते रहेगी, जो हमारे गांव में खेती होती है किस चीज़ की होती है, नहीं होती है, कब क्या होती है, आपको हर समय अपडेट मिल जाएगा। और एक पॉइंट हम आपको बताना भूल गए थे, ये जो
मिर्च हम लगाए हैं, कब लगाए हैं, ये अगस्त में लगाया गया है मिर्चा, अगस्त में। हाँ, तो जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी इस यूट्यूब चैनल के द्वारा, कब क्या लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और कैसे लगी मेरे वीडियो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।